आज बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी सुननी हमने एक ऐसे आर्टिस्ट की जो शुरू हुआ था हैदराबाद से एंड ही बिकेम ए ग्लोबल आइकॉन। आपको कहीं से इमरान कुरैशी को देखकर ये लगता है कि ये ग्लोबल आइकॉन है, उसके मैनरिज्म से, उसकी टोन से, होलिए से, कि ग्लोबल आइकॉन है ये? ऐसी जर्नी कैसे मुमकिन है? जब मैं आया हैदराबाद से लाहौर NCA पढ़ने के लिए तो मुझे ये भी लगता था कि शायद ये सारे लोग इतना जानते हैं और उन्होंने दुनिया फिरी भी है और मैं तो वहाँ से आया हूँ तो मुझे शायद पता नहीं फर्स्ट ईयर भी पास कर पाऊंगा कि नहीं। और ऐसा पेंटर जिसकी पेंटिंग सिंगापुर से लेके पाकिस्तान से लेके यूरोप अमेरिका के म्यूजियम्स में एयरपोर्ट्स पे लोग जो है वो तलाश करते हैं। अरे लुक एट द जर्नी। लंदन में हम एक म्यूजियम में थे और काफ़ी बड़ा ग्रैंड म्यूजियम था और मैंने ऐसी मजाक में कहा कि आयशा यार हमारा अगर सोचो हमारा काम यहाँ लगा हुआ है, जैसे फ़न करते हैं ना, और हम हंसने लगे इस बात पे। एक टाइम ऐसा आया कि डोचर बैंक की मीटिंग थी और किसी ने सजेस्ट किया कि ये शो वहाँ ट्रैवल करना चाहिए और उन्होंने कहा नहीं यू शुड हैव अ बेटर प्लेस फॉर योर शो। तो मुझे फिर एकदम से रिकॉल हुआ वो मोमेंट जब मैंने ऐसे सोचा था। तो चीज़ें खुद हो जाती हैं वैसे। वो दिन जिस दिन किराए के मकान में बिजली का बिल ना देने की वजह से बिजली कट गई थी और अब का दिन कि अब बिजली कटने का इम्कान नहीं है। अभी भी कट सकती है, मैं तो अभी भी तैयार होता हूं कि कुछ भी हो सकता है जिंदगी में। द ब्रिलियंट एंड द हम्बल इमरान कुरैशी।